अगर आप अपने घर पर कार धोते हैं तो बाल्टी से 40 लीटर, पाइप से 80 लीटर और सर्विस सेंटर पर लगभग 150 से 200 लीटर पानी खर्च होता है। लेकिन गो वाटरलेस की तकनीक से आप ये सारा पानी बचा सकते हैं। जून 2018 में नीति आयोग ने भारत में पानी की स्थिति पर कुछ आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं और आने वाले चंद सालों में भारत के कई शहरों में भूजल एकदम खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत में सिर्फ 4% ही साफ पानी है और यदि हमने अभी से स्थिति को सुधारने पर काम नहीं किया तो साल 2040 तक साफ पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। इसलिए आज की जरूरत है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बड़े बदलाव करें, अपने रहन सहन के हर एक पहलू को जांच परख कर ये समझने की कोशिश करें कि हम कहां कहां पानी बचा सकते हैं। इन गंभीर आंकड़ों को समझते हुए छत्तीसगढ़ के चंपा में रहने वाले एक 36 वर्षीय व्यवसायी नितिन शर्मा ने भी एक अनोखी पहल की है। नितिन बताते हैं कि उनका ऑटोमोबाइल का पारिवारिक व्यवसाय है। यहां पर वो वर्कशॉप, कार सर्विसिंग और कार वॉश की सुविधाएं देते हैं। अगर आप अपनी कार घर पर धो रहे हैं तो कम से कम 2 बाल्टी पानी यानी कि 40 लीटर पानी खर्च होता है। पाइप से धोएं तो कम से कम 90 लीटर और अगर आप सर्विस सेंटर पर जाकर धुलवाते हैं तो कम से कम 150 लीटर पानी खर्च होता है। हमारे देश में वर्तमान में 23 करोड़ से भी ज्यादा कारें हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम हफ्ते में सिर्फ एक बार भी कार धोते हैं तो कितना पानी बर्बाद होता है। नितिन कहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में गर्मियों के मौसम में उन्होंने पानी की काफी किल्लत झेली है, जिस वजह से कार वॉश करने का उनका काम एकदम ठप हो गया था। इसके बाद उन्होंने पानी और कार वॉश से संबंधित आंकड़ों पर रिसर्च किया। उनके सामने जब भारत में पानी मौजूद होने की असल तस्वीर आई तो उनकी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा। इस बारे में काफी कुछ पढ़ने के बाद नितिन ने ठाना कि अब वो अपने बिजनेस के लिए कोई और विकल्प ढूंढेंगे और पानी जैसे अनमोल संसाधन को यूं ही व्यर्थ नहीं करेंगे। मैंने अपने घर परिवार के लोगों से इस बारे में चर्चा की और मुझे एक रिश्तेदार से पता चला कि बाहर कई देशों में कार धोने के लिए वाटरलेस स्प्रे का इस्तेमाल होता है। मैंने तुरंत इस विषय में और पढ़ना शुरू किया और कुछ केमिकल इंजीनियर से बातचीत की। उनकी मदद से मैंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्लांट बेस्ड लुब्रिकेंट स्प्रे तैयार किया। इसके लिए हमने रॉ मटेरियल ब्राजील से मंगवाया और फिर इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके वाटरलेस स्प्रे बनवाई। लगभग 1.5 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बदौलत उन्होंने ये तकनीक इजाद की और फिर काफी समय तक इसे टेस्ट किया। टेस्टिंग में सफलता मिलने के बाद नितिन ने साल 2019 में गो वाटरलेस अभियान की शुरुआत की। इस पहल की शुरुआत उन्होंने अपनी कंपनी रिवॉल्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत की। नितिन बताते हैं कि उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपने परिवार की मदद ली और लगभग 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने ये वाटरलेस कार वॉशिंग तकनीक बनाई। इसके बाद उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो खुद वाटरलेस कार वॉशिंग की सर्विसेज शुरू करते और इसलिए उन्होंने अपने अभियान को फ्रेंचाइजी मॉडल पर आगे बढ़ाया। नागपुर में उनकी पहली फ्रेंचाइजी शुरू हुई और यहाँ पर उनकी इस तकनीक के लिए लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही। एक कार को साफ करने के लिए हम सिर्फ 100 मिलीलीटर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और फिर कार को एक माइक्रोफाइबर तौलिए से अच्छे से पोंछा जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि कार पानी के बिना कैसे साफ होगी, धूल मिट्टी रह जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी तकनीक से कार कम समय में और बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है जबकि सामान्य तरीके से कार धोने में काफी समय लगता है। पहले आप पानी से साफ करते हैं, फिर शैम्पू से धोते हैं और फिर सूखे कपड़े से पोंछते हैं और फिर दाग धब्बे ना रह जाएं इसलिए पॉलिश आदि करते हैं। इस सब प्रक्रिया में काफी समय लगता है। जितने समय में सामान्य तरीकों से एक कार धुलती है उतने में नितिन के यहाँ 3 कार वॉश हो जाती है और वो भी बिना एक बूंद पानी के। जरूरी नहीं कि गो वाटरलेस की सर्विसेज के लिए आपको उनके यहाँ पर जाना ही पड़े। आप अपने घर बैठे या फिर अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि फिल्म देखते समय भी उनकी सर्विसेज ले सकते हैं।
उनके यहाँ से आपको बस अपनी जरूरत के हिसाब से कार वॉशिंग का पैकेज चुनना है और फिर आप दिन और समय चुनकर बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद उनके यहाँ से प्रोफेशनल्स आकर आपकी गाड़ी को चकाचक साफ कर देंगे। नितिन के मुताबिक उनकी फीस भी सामान्य से कम है। गाड़ी के हिसाब से उनकी फीस 150 रुपए से शुरू होती है और उनके अलग अलग पैकेजेस हैं। आप महीने के लिए, 6 महीने के लिए और उससे ज्यादा समय के लिए भी पैकेज ले सकते हैं। इसके साथ ही उनकी कार वॉशिंग इको फ्रेंडली, केमिकल फ्री है और वे इस काम में बिजली का भी कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे बिजली भी बच जाती है। फिलहाल नागपुर में उनकी टीम काम कर रही है और पिछले 6 महीनों में उनके यहाँ ग्राहकों की संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच गई है। अब नितिन का उद्देश्य है कि उनकी अन्य शहरों में भी फ्रेंचाइजी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बचाया जा सके। साथ ही वो युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर लोगों को रोजगार भी देना चाहते हैं। आने वाले समय में वो पूरे देश से लगभग 20,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की और फिर अपनी फ्रेंचाइजी में उन्हें जॉब देने की योजना पर काम कर रहे हैं। मेरा पहला उद्देश्य इस बिजनेस से पानी बचाना है और बाद में पैसे कमाना। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सर्विसेज लें ताकि जल संरक्षण की मुहिम में वे भी भागीदार बन पाएं। इससे हम देश में लगभग 1 ट्रिलियन पानी बचा सकते हैं। देश में लगभग 23 करोड़ कार हैं और अगर हम हर कार हफ्ते में एक बार भी धोते हैं तो उस पर औसतन 100 लीटर पानी खर्च होता है। मतलब कि 2300 करोड़ लीटर पानी हर हफ्ते हम औसतन सिर्फ कार धोने में खर्चा कर रहे हैं। अगर यही कारें वाटरलेस स्प्रे से साफ हों तो हम ये सारा पानी बचा सकते हैं।